कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपसे वादा किया है, आपकी बार 90 पार 90% के टारगेट से अपन अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर आज अपन एक ऐसा पेपर देखेंगे, मॉडल पेपर है, लेकिन वार्षिक परीक्षा में आपको काफ़ी मददगार साबित करेगा यही पेपर, ठीक है। चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है आपका ध्रुवों पर जो जी का मान है वो कैसा होता है, अधिक होता है। गैस समीकरण पी वी बराबरी पे आर टी में वी है एक मोल गैस का आयतन। जड़त्व का जो गुण है वो होता है, जड़त्व का गुण होगा इनमें से कोई नहीं। वाट जो है किसका मात्रक है, वाट है शक्ति का मात्रक। गुरुत्वीय नियतांक जी का विमीय सूत्र है, गुरुत्वीय नियतांक जो जी है उसका विमीय सूत्र क्या है, यहाँ पर दा ऑप्शन राइट रहेगा। सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है, आवर्तकाल हो गया। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं, ये इतना हो गया भैया। इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा रहेगा, छठा रहेगा। प्रतिबल का जो मात्रक है वो आ जाएगा न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। बिलियर्ड बॉल की गति द्विविमीय गति होती है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो कितना होता है, वो शून्य होगा। जी एक क्या है, अदिश राशि है। जी कैसी राशि है, अदिश राशि। घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्रफल में स्वतंत्र होता है। कार्य एक अदिश राशि है, हो गया। इसके बाद में आ जाएगा आपका रिक्त स्थान, जो कि कुछ इस तरह का रहेगा, ये यहाँ से आप देख सकते हैं, हो गया इतना। अब है जोड़ी संवेग, संवेग का जाएगा आपका यहाँ से देख सकते हैं पहला। त्वरण की चाल, तरंग की चाल, तरंग की चाल आ जाएगी आवृत्ति इंटू तरंग धैर्य। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण का जाएगा रेडियन अपॉन सेकेंड स्क्वायर। आवृतता का सिद्धांत इसका जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं। पांचवा जो है घूर्णन त्रिज्या का मिलान आपको इससे करना है। और छठे का गुरुत्वीय त्वरण का एम नॉट एल टी ऋण 2, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हमारे बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। अब एक वाक्य में उत्तर देखो, त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। एसआई मात्रक की यदि बात करें तो एसआई मात्रक क्या है आपका त्वरण का, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग। हुक के नियम की सीमा लिखना है, देखो हुक का जो नियम है ना वो नियम आपका केवल ठोस पदार्थों के लिए ही लागू होता है। प्रतिबल तथा दाब में क्या अंतर है, प्रतिबल जो है उसका मान पूरे पृष्ठ पे एक समान होता है लेकिन दाब का नहीं, थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि आपको समझ में आए। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या है, तो प्रतिबल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, हो गया। इसके बाद में यहाँ से इतना जाएगा ये। अब है सत्य, सत्य उष्मा तथा कार्य के विमीय सूत्र समान होते हैं, सत्य है। यहाँ से दूसरा सत्य रहेगा, किसी चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है, सत्य है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक अदिश राशि है, सत्य होगा। यहाँ से आपका ये पाँच हो जाएगा, ये भी सत्य रहेगा, हो गया भैया। यहाँ पर ये पांचवा सत्य है। क्वेश्चन नंबर छठा जो है, एसआई पद्धति एक संबद्ध प्रणाली क्यों है, निम्नलिखित में से भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखिएगा। मूल मात्रा तथा व्युत्पन्न मात्रक में कोई दो अंतर लिखिए, ये यहाँ से भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखना है। विमीय संगामता का सिद्धांत लिखना है। विमीय सूत्र से आप क्या समझते हैं, ये सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा भी, ठीक है। पहले पेपर देखते हैं। एक न्यूटन बल को परिभाषित करना है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व से आप क्या समझते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका बोयल का नियम आ जाएगा। सेकेंडरी लोलक किसे कहते हैं, इसकी लंबाई तथा सूत्र स्थापित कीजिए।
आँख ना होने पर भी चमगादड़ अवरोधकों की दिशा तथा आकार सुनिश्चित कर लेते हैं, क्यों? घर्षण के दो लाभ लिखिए। पहाड़ों पर घुमावदार सड़क समतल ना होकर बाहर की ओर उठी हुई रहती है, क्यों? पास्कल का नियम लिखना और सिद्ध करना है। किसी तार को खींचे जा सकने खींच गए कार्य की गणना। इसके बाद में यहां से आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 रहेगा, ये 18 है।